हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेड बॉडी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा, तो ये कानून लागू कर पाएगी। हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है। आपसे अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए, अपने वाहन बिना कोई डर के चलाइए। हम पूरी टीम आपके लिए 24/7 365 दिन हाजिर है। आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए और वाहन चलाइए और आपकी चिंताएं दूर हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल बलकीर सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिया, अभियंस में रख दिए हैं, और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होंगे। आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, ये आपकी चिंता नहीं बल्कि हमारी चिंता है। आप हमारे परिवार का एक सदस्य है और मालक है तो चालक है, चालक है तो मालक है। ये चिंता का संज्ञान एएमटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सही वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को पत्र लिखकर इसमें क्या नुकसान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्या नुकसान होगा, किस तरह देश प्रभावित होगा, ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार समय पर संज्ञान नहीं लेती है। वही हुआ, जो चिंता हमें थी, जो डर था, जो भय था, वो एक तारीख से दिखने लगा। और आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार के पास लेके आए हैं। आज हमें 7 बजे गृह मंत्रालय, गृह सचिव भल्ला जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एएमटीसी के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106 इन ब्रैकेट 2 में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है। और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा, आपकी चिंता हम बार बार मंत्रालय में भारत सरकार के पास लेके आ रहे हैं।